नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। इंसानी शरीर कितनी गर्मी सहन कर सकता है, इसका जवाब एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ने दिया। राजधानी दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में गर्मी से हाल बेहाल, एक्सप्रेस फाइल झुलझाने वाली गर्मी का कहर लगातार जारी है। हाल ही में केरल एक्सप्रेस में गर्मी की वजह से 4 यात्रियों ने झांसी के दम तोड़ दिया। चारों यात्री तमिलनाडु के निवासी थे, जो कि आगरा से घूमकर वापस लौट रहे थे। देश में उत्तर और पूर्वी हिस्से में हीट वेव यानी कि लू का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान के चुरू में तो गर्मी की मार के बीच पारा 50 के करीब जा पहुंचा है। आईआईटी दिल्ली में वायुमंडलीय अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर सागनिक डे बताते हैं, जब हमारा शरीर गर्मी के संपर्क में आता है तो यह अपने मूल तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। पर्यावरण और शारीरिक स्थितियों में आधार पर शरीर का मुख्य तापमान बनना शुरू हो जाता है और हमें थकान महसूस होने लगती है। हालांकि हीट स्ट्रेस के कई लक्षण बताए जाते हैं, जैसे कि तापमान का स्तर और अलग अलग तापमान में कितनी देर तक समय बिताना। 40 डिग्री सेल्सियस से परे किसी भी तापमान पर इंसानी शरीर विपरीत परिस्थितियों को महसूस करने लगता है। सिर दर्द, उल्टी, डिहाइड्रेशन 40-42 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर अनुभव किया जाता है। 45 डिग्री तापमान पर ब्लड प्रेशर, डिलीरियम और घबराहट होने लगती। वही अगर तापमान 48 से 50 डिग्री हो तो शरीर की मांसपेशियां टूटने लगती है और यहां तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है, जैसा कि झांसी वाले केस में देखने को मिला। कितना सहन किया जा सकता है, डॉक्टर और शोधकर्ताओं का मानना है कि 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के निदेशक दिलीप मालवन कहते हैं, गर्मी को सहन करना इन बात पर निर्भर करता है कि आप किस तापमान में रहने की आदि है। 35 डिग्री के तापमान पर होती है, वही यूरोप में भी ऐसा ही होता है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। आर्द्रता और हवा जैसे पर्यावरणीय कारणों के कारण गर्मी पर जगह पर अलग अलग है। वही सागनिक डे भी इस पर सहमत है। वह आईटीआई के रिसर्च के साथ मिलकर हीट स्ट्रेस इंडेक्स फॉर इंडिया प्रोजेक्शन फॉर नियर फ्यूचर काम करता है। इसमें हवा और आर्द्रता के तापमान पर होने वाले प्रभाव पर रिसर्च की जा रही है। वह कहते हैं कि हमारा शरीर कितनी गर्मी सहन कर सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम कितने तनाव, आर्द्रता, हवा और कितनी देर सूजन के संपर्क में रहते हैं। हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसे सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर तैयार कर रहे हैं, जिसे शोधकर्ता अक्सर दर्द किनार कर देते हैं। मेरा कहना है कि सरकार को अपने फैसले को हीट इंडेक्स के आधार को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। धन्यवाद।